नमस्कार दोस्तों आज की भी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एस एस सी सी के एक इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में जिसमें हम 25 सवाल जनरल अवेयरनेस के देखेंगे ऑफिशियल पेपर है ये आपको यहाँ पे पता होगा तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे टॉर इज़ अ यूनिट ऑफ डैश ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेशर यानी प्रेशर का यूनिट टॉर है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स एडवोकेट जनरल ऑफ़ स्टेट्स कौन अपॉइंट करता है तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ़ द स्टेट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा एडवोकेट जनरल ज़िले की तरफ से अरे राज्य की तरफ से चुना गया एक वकील होता है जो कि किसी भी जगह अपने स्टेट को रिप्रजेंट करता है किसी भी जगह से माने किसी कोर्ट में अपने स्टेट को रिप्रजेंट करता है अगर हम बात करें पूरे देश में वकील को देश का एक वकील दूसरा कहते हैं अटॉर्नी जनरल तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल को अगर प्रेसि अरे गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सबको पता होगा ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डेट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया सो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्ट हमको ये चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी क्योंकि डेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इज़ ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझ क्योंकि देखिए डेट के यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया था तो फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेल्व को सेलिब्रेट किया गया था बट जिस दिन मेजर इस दिन मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है जो कि स्टार थे हॉकी टीम ऑफ इंडिया के तो इसलिए इसको इस ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉट इज़ द बॉन्ड एंगल इन डिग्रीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन मॉलिक्यूल वॉट इज द बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैनजीन मॉलिक्यूल तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो so इसका आंसर हो जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री तो बेंजीन मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिक्स कार्बन एटम्स होते हैं जो कि एक रिंग में ज्वाइन किए जाते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है हर कार्बन ऐटम से तो हम ये कह सकते हैं कि इट कंटेंस ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐटम और बैनजीन इज़ क्लैस्ड एज एन हाइड्रोकार्बन इट हैज़ द शेप ऑफ अ रेगुलर हैगजागन हैगजागन तरीके का होता है जिसकी हर हर एंगल वन ट्वेंटी डिग्री की होती है तो आप ये समझ गए होंगे डिटेल में नेक्स्ट है द मिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व वेटलैंड्स रामसर साइड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा कि रामसर साइड्स कौन कौन सी हैं नेक्स्ट है इन विच स्टेट द जोगड़ा रॉक एडिक्ट अशोका इज लोकेट सो इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। नेक्स्ट है इन टू थाउजेंड एंड एटीन हो एम द फॉलोइंग केम टू द लाइमलाइट बाई बिल्डिंग अ पीपल्स रोड थ्रू क्राउड फंडिंग दैट हेल्प इन कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस ऑफ मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर है आर्मस्टोंग पेम तो कौन थे इसमें से इनका नाम था आर्मस्टोंग पेम तो इन्होंने जो है आ, इस तरीके का काम किया था खैर ये सब काम भी ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते लेकिन आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हेरिटेज बिल्डिंग्स डज नॉट फिगर अमंग दोज विच वर डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन ड्यूरिंग हिज टू डे विजिट टू वेस्ट बंगाल इन जनवरी टू लेटेस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग सवाल है तो इसका आंसर है बेलूर मत टेम्पल नेक्स्ट है वॉट डस ए स्टैंड इन उड़ान द इनिशिएटिव ऑफ़ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उड़ान इनिशिएटिव ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो इसमें ए जो है वो हमारा आम के आम इसको संबोधित करता है कि ये आम है तो कुल मिला के इसका फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक ये इसका फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक एंडेवर टू तो मेक कॉमन पीपल फ्लाई ये एक तरीके की स्कीम है जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है इसका नाम है उड़ान तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है इसके इस, इस स्कीम इस हेडेड यानी कि गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल फॉर्म आपको पता चल गया उड़े देश के आम नागरिक एंड एम्स टू डेवलप स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट टू अलाउ कॉमन सिटीजन्स ईजियर एक्सेस टू एविएशन सर्विसेज यानी कि छोटे छोटे रीजनल रीजन एक एक, एक रीजन में छोटे 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 ही एयरपोर्ट को स्थापित करना जिससे कि हम आप जैसे लोग कॉमन सिटीजन्स आसानी से एविएशन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं एरोप्लेन सर्विसेज को अवेल कर सके तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था मोदी नरेंद्र मोदी द्वारा नेक्स्ट है विच टीम वॉन द फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो इसका आंसर है मोहन बेगान ए सी फाई जी जी के है आपको पढ़ना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ

तो कश्मीर में आपको पता है कि लेफ़्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे हमें पता चल गया गिरीश चंद्र मुर्मू है तो ये आपको पता होना चाहिए खैर देखा जाए तो इस वक्त वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं जिसका आंसर होगा श्री मनोज सिन्हा लेकिन उस वक्त की बात ही एज़ ऑफ जनवरी टू की बात है तो गिरीश चंद्र मुर्मू लेकिन वो बदल के मनोज सिन्हा हो गए हैं और यदि मैं आपको लक्ष्वदीप की बात करूँ अगर लक्ष्द्दीप में देखा जाए तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर इस वक्त है श्री प्रफुल पटेल तो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और लक्षदीप में आपके हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर आगे चलते हैं नेक्स्ट तो है हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज़ एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती Next question: The great Indian novel is authored by Shashi Tharoor. Which of the following animals does not find a place in the in national emblem of India? So its answer camel. Which of the following state does not share its boundary with Madhya Pradesh? Its answer Odisha. In the context of UN Sustainable Development Goals, which of the following pair is incorrect? इसमें से इनकरेक्ट क्या है तो क्वालिटी एजुकेशन एस टी जी थ्री ये हमारा इनकरेक्ट है नेक्स्ट है द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड चित्रंजन दास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डेंसेस स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ सो इसका आंसर है ऑस्मियम नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द टेन लैक करोड़ मार्केट वैल्यूएशन तो इसका आंसर है रिलायंस नेक्स्ट है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री फोर्टी थ्री मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विद रिफरेंस टू डांसेस एंड देयर नेटिव स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट तो करेक्ट है यहाँ पे यक्षंगना जो कि है हमारा कर्नाटका से मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन और उसके करेक्ट आंसर भी बता देता हूँ तो अगर पहला ऑप्शन देखिए गोमिरा जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा गया है वो है हमारा वेस्ट बंगाल से दूसरा है सतारिया जिसका यहाँ पे मणिपुर लिखा गया है अगर उसकी बात करें तो वो है हमारा मध्य प्रदेश से यक्षांगना ये तो कर्नाटका एकदम सही है यही इसका सही आंसर है और फोर्थ है कलरी पाई टू अगर इसकी बात की जाए तो ये है हमारा केरला से तो इस तरीके से मैंने आपको इसके सही आंसर बता दिए हैं तो ये थे हमारे आज के पच्चीस सवाल जो कि जी के थे एस एस सी के उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ में एस एस सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय